कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी editing.com में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिलता रहे। तो आज हम पिक्चार्ट से कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करेंगे। महादेव का जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप भी एडिट करिए और सोशल मीडिया पर अपलोड करिए तो अच्छा ही रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पिक्चार्ट ऐप पर आएंगे। तो एडिट ऐप फोटो पर आएंगे। तो एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैंने वो बैकग्राउंड ले लिया है। तो अब जिस फोटो को यहाँ सेट करना है तो उसको लेने के लिए हम ऐड फोटो पर जाएंगे। तो मैंने ऐड कर लिया, तो इसको आप कटआउट करेंगे। कटआउट करने के लिए हम कटआउट पर आएंगे। तो इसको हम पूरे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो इतना होने के बाद सिंपली हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए अच्छे से नहीं कटा है, तो ये जो छूटा है उसको हम पूरा इरेज कर लेंगे। तो इतना कट होने के बाद हम सिंपली सेव कर लेंगे। तो देखिए सेव हो चुका है, तो इसको हम जूम कर इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो देखिए हो गया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो राइट कर देंगे इसके लिए। अब एक और PNG लेना पड़ेगा, तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको हम आगे लगाएंगे जूम कर। तो हम इसको सेव कर लेंगे। फिर दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे। एक और PNG लेंगे। इसको छोटा कर अपने फेस पर लगा देंगे। इतना भाई इसको थोड़ा हल्का कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इतना होने के बाद सिंपली हम इसको डन कर देंगे। फिर स्टिकर वाले ऑप्शन पर आएंगे। स्टिकर वाले ऑप्शन पे आकर अब लिख हर हर महादेव। तो ये देखिए कुछ स्टिकर आ चुका है, तो अब यहाँ से भी ले सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहते हो तो शिव भी लिख दीजिए। तो देखिए शिव का जो त्रिशूल है वो आ गया। तो शिव लिखने के बाद ये जो ओम नमः शिवाय वाला PNG इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेंगे। तो फिर दोबारा स्टिकर वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो एक और PNG ले रहा हूं मैं, तो इसको हम जूम करके अपने हैंड के पास लगा देंगे।
तो इसको थोड़ा हम हल्का कर कर इरेज के ऑप्शन में आएंगे। इरेज के ऑप्शन है एक बार जो ये है अंगुली, उसको हम थोड़ा इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, इसको हम पूरा बढ़ा देंगे। तो देखिए ये मालूम नहीं दे रहा है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। टूल्स पे आने के बाद फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम सैचुरेशन पे आएंगे। सैचुरेशन पे आने के बाद इसको हम पूरा हाई कर देंगे। तो हाई करने के बाद जो फेस है वो रेड हो चुका है, तो इसको इरेज करने के लिए हम ऊपर आएंगे। तो ये जो फेस पे है उसको हम पूरा इरेज कर लेंगे जो रेड रेड है, क्योंकि अब जब सैचुरेशन हाई करेंगे तो पूरा रेड हो जाएगा फेस जो है, तो हमें फेस की ज़रूरत नहीं है रेड की, पूरा हैंड कर लीजिएगा। तो इसको हम डन कर देंगे। तो इतना होने के बाद हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे इसको। तो गैलरी में सेव होने के बाद हम एक ऐप पर आएंगे, तो जिसका नाम है स्नैपसीड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिस फोटो का एडिट किया है उसको हम लेंगे। गैलरी में आकर तो यहाँ हम ये जो पॉप है उस पर हम क्लिक कर देंगे, पॉप वाला जो ऑप्शन है। तो देखिए ये हो गया, तो इसको हम डन कर देंगे। और टूल्स पे आकर इस वाले ऑप्शन में आने के बाद अपने फेस जो है उसको थोड़ा लाइट में लाएंगे, फिर यहाँ हैंड के पास लाएंगे, जहाँ जहाँ ब्लैक वहाँ वहाँ आप कर लीजिएगा। तो इसको हम डन कर देंगे। तो देखिए फोटो ऐड हो चुका है, तो इसको हम गैलरी में सेव कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद सेव कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इसको जाकर फॉलो कर लीजिए। तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ अपने आईडी का। तो देखिए ये एडिट हो चुका है, तो वीडियो ऑन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।